प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिज्नी जीएस एंड मैथ्स के शॉर्ट ट्रिप के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लर्नर्स हब। लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि डिविजिबिलिटी बाई टू, कोई भी नंबर दो से कब डिविजिबल होगा या दो से विभाज्य कब होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कि कोई भी नंबर दो से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर है 1, 5, 6, 2, 4, 6। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 6 या यूनिट डिजिट क्या है 6। तो पूरा नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से आप लोग भाग करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है ऐसे 5, 6, 2, 4, 5, तो लास्ट में देखिए 5 है, लास्ट में 5 है, तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में अगर 5, 7, 9 ये सब रहेगा तो नंबर 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ 2, 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में रहेगा तब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि इसको हम लोग 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 2 4 2 8 16 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो मतलब कि 2 8 1 2 3, मतलब कि 2 से डिविजिबल है पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा। तो देखिए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। मतलब कि कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उसका जितना भी डिजिट है सब 3 से डिविजिबल हो, जितना भी डिजिट है उसका सम 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए छोटा सा नंबर लेती हूँ मैं 4, 4, 7, इसको ऐड करते हैं। 4 और 4 क्या है 8, 8 और 7 ऐड करेंगे तो 15। तो देखिए 15 3 से भाग जाता है, 3 5 15, तो पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जितना भी नंबर दिया रहेगा सबका अगर हम लोग सम निकालेंगे, सबको अगर ऐड करेंगे तो वो जो निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पूरा अगर 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर क्या है 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए एक और 4 डिजिट वाला नंबर लेके देखते हैं, 4 4 3 7 मान लीजिए एक नंबर है, सबको ऐड करेंगे। देखिए 4 4 ऐड करेंगे 8, 8 और 3 ऐड करेंगे 11, 11 और 7 ऐड करेंगे 18। तो देखिए 18 3 से डिविजिबल है, 3 6 और 18, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी 2 और 3 के बारे में हम लोग को पता लग गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 6। कोई भी नंबर अगर 3 से कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 3 और 2 मतलब कि दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं 4 6 8 ऐसा कोई एक नंबर है। तो देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए, मतलब कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग को देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है क्या नहीं। 4 और 6 ऐड करेंगे तो 10, 10 और 8 ऐड करेंगे तो 18। तो देखिए पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो दो ए जो 4 6 8 नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब कि जो टोटल पूरा नंबर है पूरा 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल करके देख लेते हैं, 6 7 42 6 8 48, तो पूरा देखिए 6 से डिविजिबल है। तो यस, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का रूल। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल क्या बोलता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 5 और 0। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 हो तो वो पूरा नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर, मान लीजिए 1000 या 2500 या 2400 2320, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 हुआ, मान लीजिए 2523 5 मान लीजिए लास्ट में 5 या 0 होगा तो नंबर क्या होगा पूरा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको आप लोग भाग करके भी देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट,
देखिए डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। मतलब कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो डिजिट है सबका सम क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम 4, 6, 8। तो देखिए 4 और 6 ऐड करेंगे 10, 10 और 8 ऐड करेंगे 18, मतलब कि 18। तो 18 पूरा 9 से डिविजिबल है, 9 2 18। तो पूरा नंबर क्या होगा, 4, 6, 8 क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 9 डिविजिबिलिटी बाई 9 इज सिमिलर टू डिविजिबल बाई 3। मतलब कि 3 का डिविजिबल के केस में भी हम लोग देखें कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो हमेशा 100% 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 10। ये तो बहुत आसान है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होगा और डिविजिबल बाई 10 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग 2, 3, 5, 6, 9, 10 इस छः नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड 8, डिविजिबिलिटी बाई 11 इसके बारे में सीखेंगे, इसका अलग अलग वीडियो आएगा। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।